कि जैसे हमारे पाकिस्तान में क्लासेस है ना, इकोनॉमिक क्लासेस है, वहाँ भी इकोनॉमिक ब्रैकेट्स हैं। तो एक तबका है जो बहुत बड़ा तबका है, वो मजदूर तबका है, जो लोग गैस स्टेशनों पर, पेट्रोल पंपों पर, पिज्जा डिलीवरी, ये वाला काम करते हैं। खुद मैंने शुरू में ये किया, अदरवाइज स्ट्रगल वहीं से सर ने शुरू। तो ये एक तबका ये है, एक मिडिल क्लास है, एक अपर मिडिल क्लास है, एक बिलियनर्स का तबका है। ये इतने तबके हैं हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी। और दुनिया का, बर्नार्ड शॉ ने फरमाया कि सबसे अच्छा मज़हब इस्लाम है, और दुनिया के सबसे जो अच्छे फॉलोअर नहीं हैं वो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं जो नहीं हैं। हमारे यहाँ एक इलाका है रिवर ओक्स उसको कहते हैं, वहाँ पर लोगों के पैलेसेस हैं, अपने जहाज खड़े हुए हैं, अपने चापर खड़े हुए हैं, वो सारे बिलियनर्स हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। आज हमारी जो मेहमान मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे साथ हैं, रेवेंडर डॉक्टर अफजाल फरदोस। कहने को ये डॉक्टर पीएचडी स्कॉलर हैं, लेकिन बात यहाँ तक नहीं है। आप एक बहुत बड़े शायर हैं, शायरी की मैदान में आपकी 7 कुतब आ चुकी हैं, सितारे मेरे हाथों में से लेकर जैतून के हाथों में, बागों में के बागों में, जैतून के बागों में। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप कम्युनिटी लीडर हैं, आप कम्युनिटी आइकॉन हैं, आप वर्ल्ड रिलीजन के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। तो ये ह्यूस्टन में आपका क्याम है मुस्तकिल, लेकिन पूरी दुनिया घूमते हैं। पाकिस्तान आए, तशरीफ़ लाए, तो हमने जाना कि उनसे गपशप करें और जाने कि ह्यूस्टन में और वर्ल्ड में उन्होंने वो जो ह्यूमन राइट्स के लिए उनकी जो खिदमात हैं उनको सामने लाया जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है आपका, कैसे आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में? माय प्लेजर। हाँ, ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि आप ह्यूस्टन में जाने से पहले कब आप गए ह्यूस्टन? सबसे पहले तो ये कि मैं आपकी ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज बतौर मेहमान बुलाया है। और ये नकाब मैं इसलिए पहना था कि याद रहे, सनद रहे कि ये लॉकडाउन के ज़माने में इंटरव्यू हुआ था। जी ठीक। और ऐनक मैं इसलिए उतार रहा हूँ ताकि मेरी आंखें जो हैं वो रोशनी से, कैमरे की रोशनी से ज़्यादा हर्ट ना हो। जी जी, जी। तो क्योंकि अभी जो है मैंने रिसेंटली आंखों की सर्जरी करवाई है, तो मुझे 37 ईयर्स हो गए हैं ह्यूस्टन टेक्सास गए हुए। और वहाँ मैंने, जब मैं गया था तो नॉट अ सिंगल सोल न्यू मी, एक शख्स भी नहीं जानता था। लेकिन अब 37 सालों के बाद कोई 10-15 हज़ार लोग जानते हैं मुझे। ये बताइए कि ये शायरी जो थी वो पाकिस्तान में जब थे तब शुरू की या जब? शायरी मैंने बचपन से शुरू कर, बचपन से शुरू की। मेरे वालिद शायर थे, उनसे मुतासर होकर तो मैंने ये भी देखा है। मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था फेसबुक से, आप वर्ल्ड रिलीजन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लेक्चर्स वगैरह देते हैं। तो आजकल जो सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद आ गया है, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है, तो आप इस सार चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे हम अमन आलम की तरफ बढ़ सकते हैं? बात यह है कि रिलीजन कोई भी अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं रहा, उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, इतनी ज़्यादा उसकी शाखें निकल आई हैं। मिसाल के तौर पर मैं क्रिश्चियन हूँ और क्रिश्चियन के दो बड़े फ़िरके हैं, प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक्स। अब प्रोटेस्टेंट के आगे 70-72 फ़िरके हैं। तो इस तरह से होते 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 हम जो है ना, जो असल कोर वैल्यूज़ हैं मज़हब की, उससे बड़े दूर हो गए। उस वजह से टॉलरेंस, कोएग्जिस्टेंस, उव्वो दरगुजर, ये जो खूबियाँ हैं ये हमारे किरदार से ही निकलती जा रही। इसलिए चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, अब देखें इंडिया में क्या हो रहा है, और इस तरह यूरोप के कंट्रीज हों, कुछ कहीं भी चले जाएँ आप, चूँकि लोगों ने दीन छोड़ दिया है, दीन से परे हो गए, मुनहरिफ हो गए, उसको प्रैक्टिस नहीं करते, उनके अंदर टॉलरेंस की और को एग्जिस्टेंस की कोई अहलियत नहीं रही, इसलिए तशद्दुद उनके अंदर बढ़ता जा रहा है। ऊपर से मीडिया ऐसा है, ऊपर से हालात ऐसे हैं, सारी दुनिया के हालात एक जैसे हैं, सब कोई भी मुल्क सुखी नहीं है।
ये कि आपका व्यू हो सकता है, लेकिन देखना ये है कि मेरा ख्याल है कि सही फॉलोअर नहीं रहे। अब बसीयत हम इसको अब जो हम अब इस्लाम जो है हम समझते हैं कि वो उसी शक्ल में या जैसी शक्ल में था, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं नहीं, यही जो फॉलोअर्स हैं, मेरा ये मतलब नहीं कि दीन तब्दील हो गया है खुदा खासा, ऐसा नहीं है। फॉलोअर्स जो है ना वो डिविएट हो है, इसीलिए मेरा आई थिंक सो आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि वो बर्नर्ड शाह ने कहा था कि दुनिया का नाज़रीन, दुनिया का बर्नर्ड शाह ने फरमाया कि सबसे अच्छा मज़हब इस्लाम है और दुनिया के सबसे जो अच्छे फॉलोअर नहीं हैं वो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं जो नहीं हैं। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं। तो खैर, अच्छा ये फरमाइए कि आप वहाँ पे कम्युनिटी लीडर भी बन गए ह्यूस्टन में रहकर, और आप शायर भी हैं वहाँ पे, तो प्रॉब्लम्स तो वहाँ पे आती होंगी। वहाँ पे एक पाकिस्तानी का वहाँ पे जाके कम्युनिटी लीडर बनना और इस तरह आगे निकलना, तो क्या आपको कोई मसाइल पेश दरपेश आए? बहुत मसाइल थे, बहुत मसाइल थे। 37 years ago जब मैं गया हूँ वहाँ पर, चीदा चीदा लोग थे पाकिस्तानी जी जी, और मेरा ख्याल है कि 2 या 3 मसाजद थी और पाकिस्तानी होंगे कोई 100-150। अब ह्यूस्टन में 127 मसाजद हैं, माशाल्लाह, मुसल्ले इसके अलावा हैं माशाल्लाह, और जो कम्युनिटी है वो 1,35,000 की है पाकिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो 37 सालों का जो सफ़र है वो एक कदम से ही शुरू हुआ, लेकिन चलते चलते हम सब लोग यहाँ तक आ गए हैं कि हम बड़े पावरफुल लोग हैं पाकिस्तानी वहाँ पर। अच्छा, दैट्स ग्रेट, पावरफुल लोग हैं। ये सारा कुछ इस वजह से है कि आपका कंट्रीब्यूशन भी डेफिनेटली, हमारा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में बहुत है, अपनी है। तो हमारे आपने वहाँ पे कोई इलेक्शन वगैरह भी कोई लड़ने का? मैंने तो नहीं, मैंने नहीं जाती तौर पर नहीं लड़ा, मेरी ग्रूमिंग नहीं हुई एज ए पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिकल लीडर। जी जी। मैं चाहता तो आज से चंद साल पहले मेरे इतनी अमेरिकन और पाकिस्तानी सोसाइटी में इतनी पॉपुलैरिटी थी कि मैं चाहता तो कोई भी इलेक्शन जीत सकता, क्योंकि मैं गोरों का पादरी था। जी जी। वो जी, गोरा सारी स्ट्रिप जो थी वो मेरे फॉलोअर्स थे, बल्कि अभी भी है, हालांकि मैं वहाँ से छोड़कर वापस शहर आ गया हूँ, ह्यूस्टन आ गया, लेकिन वो फॉलोअर्स मेरे वहीं था, क्योंकि मैंने कम्युनिटी के लिए काम किया ये सोचे बगैर कि ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये पाकिस्तानी है, ये exactly, इसी चीज़ की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। सबसे पहला जो मेरा जो शहर था जहाँ मुझे बतौर पादरी अपॉइंट किया गया वो था, उसका नाम था न्यूटन टेक्सास। अब न्यूटन जो है वो ह्यूस्टन शहर से 3.5 घंटे के ड्राइव, न्यूटन के नाम पे जो नहीं, वो इंग्लैंड में है। जी जी, जी। तो ये छोटा सा शहर है, सिर्फ काउंटी सीट है, यानी काउंटी जज वहाँ बैठता है, मेयर शेयर ये वो, वो सारे के सारे मेरे चर्च मेंबर थे। अच्छा, ये फरमाइए कि जो पाकिस्तानी फैमिली वहाँ पे सेटल है उनको किस किस्म के मसाइल आते हैं? रिश्तों के वाले से भी मसाइल आते होंगे, ये नंबर वन है, ये नंबर वन नंबर वन है कि रिश्तों वाले से भी आपसे लोग रابطہ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और आप उस हवाले से भी जो है, उस हवाले से भी करता हूँ। उसमें भी दोबारा जो है ना, क्रिश्चियन मुस्लिम का कोई इशू ही नहीं है। जी, जी, जी। और अभी इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के इलेक्शन थे मेरे आने से पहले, तो जो हमारा साउथ जोन है उसके लिए जो कैंडिडेट खड़ा था प्रेसिडेंट अमीन खान, मोहम्मद अमीन, उसने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जी जी। तो मैंने लोगों को फ़ोन किया कि मेरे दोस्त अमीन खान को वोट दो, किस लिए? इस्लामिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट। अच्छा, ये फरमाइए कि हमारे यहाँ तो जो पाकिस्तान में ख्वातीन है वो का जॉब का कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं है, बाहर जॉब, अब तो खैर काफ़ी हालात तब्दील हो गए हैं, राइट, लेकिन यहाँ से जो ख्वातीन पाकिस्तानी कम्यूनिटी में ख्वातीन है वो क्या उसी तरह जॉब में जाती हैं? उनके लिए कोई कदगर नहीं है कि वो, या वहाँ भी डोमेस्टिक रोल है उनका, या वो एक शाना बेशाना? ये बड़ा आपने ना दुखी टची सवाल जो है ना पूछा। अच्छा। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हमारे पाकिस्तान में क्लासेस है ना, इकोनॉमिक क्लासेस हैं, वहाँ भी इकोनॉमिक ब्रैकेट्स हैं। तो एक तबका है जो बहुत बड़ा तबका है, वो मजदूर तबका है। जी जी। जो लोग गैस स्टेशनों पर, पेट्रोल पंपों पर, पिज़्ज़ा डिलीवरी ये वाला काम करते हैं, खुद मैंने शुरू में ये किया, 5-7 साल ग्रेटनेस आपकी, मैंने ये किया,
तो वहीं से सबको शुरू करना पड़ता है. अनलेस के यू आर वेरी एजुकेटेड, यू आर अ डॉक्टर, यू आर एन इंजीनियर, यू आर एन अटर्नी, और फिर आप एग्जाम दे के पास होते हैं, तो देन यू कैन कम ऑन द सरफेस ऑफ द अपर क्लास पीपल. अदरवाइज स्ट्रगल वहीं से सबने शुरू. तो ये एक तबका ये है, एक मिडिल क्लास है, एक अपर मिडिल क्लास है, एक बिलियनर्स का तबका है. ये इतने तबके हैं हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी और इन जनरल अमेरिकन सोसाइटी. हम लोग बड़ा सुनते हैं ना कि वहाँ पर तबका बंदी नहीं है. गलत है, वहाँ भी तबका बंदी है. हमारे ह्यूस्टन तो हर जगह पर, हमारे यहाँ एक इलाका है रिवर ओक्स उसको कहते हैं, वहाँ पर लोगों के पैलेसेस हैं, अपने जहाज खड़े हुए हैं, अपने चापर खड़े हुए हैं, वो सारे बिलियनर्स हैं. फिर उसके बाद मेमोरियल का इलाका है. इन्हीं बिलियनर्स ने पाकिस्तानी यूथ को खराब किया एक तरह से ना, कि हर दूसरा बंदा जो है वो चाहता है कि वो जाए अमेरिका, अमेरिका जाए, ये सारी चीजें, ये एक रेस है, एक जो है रैट रेस. आपको ये नजर नहीं आती कि ये रैट रेस है? बात ये है कि बेसकुनी में आप जा रहे हैं सारी चीजें. हाँ, वो मैं वापस उसी सवाल पे आ गया हूँ, रिश्तों का और काम करने का औरतों के. जो मिडिल क्लास की औरतें हैं वो तो काम कर रही हैं, जो अपर मिडिल क्लास की औरतें हैं वो भी काम कर रही हैं, जो लोअर तबका है, जो मजदूर तबका है, उसमें बड़ा मसला है. ना उनकी बेचारियों की एजुकेशन होती है, ना कोई ट्रेनिंग होती है, ना उनके हस्बैंड की कोई ट्रेनिंग होती है, ना उनको ड्राइविंग आती है, तो इसलिए वो पिसती रहती है. फिर वो छोटा मोटा काम, ये सामने रेस्टोरेंट पे चले गए, वहाँ वेटर्स. ज़रूरत ये है कि उनको एजुकेशन दिलाई जाए, इनको जो है वो भी जब एजुकेटेड होंगी या पढ़े लिखेंगी तो फिर ये प्रेजुडिसेस दूर होंगे, तो फिर वो काम कर सकेंगी जो है. नहीं, ये प्रेजुडिस नहीं है, ये एक सिस्टम है. ये जो अमेरिकन सिस्टम है ये ऐसा ही है. हमने चूज किया कि हम जाके, ये फरमाइए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की वो आप कोई गेट टुगेदर कोई बहुत ज्यादा ईयरली होता है, उसमें आप अपनी शायरी भी वहाँ पे सुनाते हैं, पेश करते हैं? मैं उसमें तो नहीं सुनाता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान है, अबरार हाशमी साहब जनरल कौंसल जनरल हैं, अपना इरफानुल्ला खान साहब कौंसल हैं, बाकी सारा स्टाफ, ये बड़े एक्टिव लोग हैं. एम्बेसडर साहब जो हैं वो भी बड़े, असद मोहम्मद खान जो है ना वो भी बड़े एक्टिव हैं. तो 23 मार्च की फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है, उसमें कोई 100-150 लोगों को बुलाते हैं. फिर 14 अगस्त की फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है, वो बुलाते. ये तो हो गया सरकारी सतह पर. उसके अलावा पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन है, आप यकीन करें उसके इलेक्शन इसी तरह होते हैं जैसे नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान के, मारने मराने पे लोग आ जाते हैं, तो जी, वो भी बड़े फंक्शन करते हैं. हमारे मुशायरे बहुत होते हैं, मैंने दाग बेल डाले. आपको कौन सा अच्छा, आपके जो समझ अच्छे शेर जो इंसानियत के मुतल्लिक आपने कहे हो, यूं तो आपका सारा कलाम ही अच्छा होगा पढ़ने के काबिल, तो वो सुनाए जरा हमें आज. बात यह है भाईजान कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे याद नहीं रहता वैसा, तो किताब कोई मेरे पास है नहीं है ह्यूमैनिटी के हवाले से. कोई शेर चलिए, अपनी जो आपकी अपनी किताबों में से कोई शेर आपको जो अच्छा लगता है? हाँ, किताबों में से ये है कि मेरी शायरी ज़रा ना डिफरेंट किस्म की है. यहाँ बादत रोड पर ना सुपीरियर साइंस कॉलेज के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर जवाज जाफरी जी, जी उन्होंने अमेरिका और यूरोप में रहने वाले चंद ऐसे शायरों पर PhD की है जिन्होंने उर्दू शायरी का मंजरनामा बदला है. उसमें दूसरा शायर मैं हूँ. अब कोई फिर आज के दिन के हवाले से चलें, हमारे साथ हैं आज, कोई शेर सुनाइएगा अपना. जो दिन सुलगता हुआ, दिन सुलगता हुआ और रात जली आती है, और रात जली शाम जली आती है, शाम जली आती है, आती है. दिन सुलगता हुआ और शाम जली आती है, फिर कहीं जाके सितारों की गली आती है, फिर कहीं जाके सितारों की गली आती है. मतलब मंजिल इतनी आसान नहीं है कि जितनी लोग समझते हैं सितारों की गली के लिए. आप शेर एंजॉय करें, तशरीह ना करें बहुत ज्यादा. दूसरा शेर है कि बाद मुद्दत के कोई ख्वाब खिला आंखों में, बाद मुद्दत के कोई ख्वाब खिला आंखों में, बाद मुद्दत के कोई ख्वाब खिला आंखों में,
बाद मुद्दत के गुलाबों पे कली आती है, बाद मुद्दत के गुलाबों पे कली आती है, बाद मुद्दत के गुलाबों पे कली आती है। आपकी अशार में असल में इतनी ज्यादा वो डेप्थ है, राइट, ठीक है ना। तो मैं अपने नाज़रीन के लिए वो साथ इस वजह से मैंने कहा कि थोड़ा सा इंटरप्रेट कर दूं, ठीक है, कि अगरचे वो शेर का शेरी ज़ौक अपनी जगह, हाँ, और उसकी जो हसीयत है वो अपनी जगह, और वो उसमें गुम हो जाना ये अपनी जगह, लेकिन वो वाकई ये आपका है कि इसमें फूड फॉर थॉट है हम सब के लिए। यही मुझे बरकत कुदरत ने दी है। और ये आपके पास जो एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी है ना, जी जी, वहाँ एमफिल के निसाब में मेरी पोएट्री है। अच्छा, दैट्स ग्रेट, ये बहुत बड़ी बात है। और ये फरमाइए कि पाकिस्तान में आप हर साल आते हैं, कब आप साल में दो दफा भी आ जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है पाकिस्तान आकर दोबारा अपने लोगों के साथ मिलकर अमेरिका से? पहली बात तो ये है कि मैं पक्का पाकिस्तानी हूँ। मेरे बारे में मशहूर है पूरे अमेरिका में कि सबसे बड़ा पैट्रियाटिक जो पाकिस्तानी है वो अफजाल। यकीनन जितने भी लोग बाहर हैं हम समझते हैं कि वो पैट्रियाटिक है, हाँ। और दूसरी बात ये कि एक बात और मशहूर है मेरे बारे में कि किसी मुस्लिम के घर से हलाल गोश्त मिले या ना मिले, अफजाल फिरदौस पादरी के घर से ज़रूर मिलेगा। हराम नहीं खाते अब तक, अभी तक शराब नहीं पी, अभी तक सिगरेट नहीं पिया, 37 साल हो। अच्छी बात। तो ये मेरे लिए तो घर आना होता है ना, जी जी। और फिर लाहौर का जो बंदा होता है, जी जी, उसके लिए तो लाहौर से बेहतर कोई जगह ही नहीं है दुनिया। और ये मैंने बड़े अरसे के बाद शलवार कमीज आज पहना है, मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर तो अंदरून लाहौर भी गए होंगे वहाँ पे? अभी नहीं गया, जाऊँगा। जो वो नान छोले खाते हैं, डेफिनेटली भी वो। मेरे दो दोस्त हैं जो हमेशा मेरी दावत नान छोलों की करते, एक उस्ताद हामद खाली खान, हामद अली खान सिंगर जो है, और एक शौकत अली साहब। हाँ, शौकत अली साहब को खुदा सेहत दे, उनकी तबीयत ठीक नहीं। ये मेरी सिर्फ नान छोलों की दावत करते। अच्छा, ये आप आए और यहाँ पे हमें मौका मिला आपसे बातचीत करने का। आप जो पाकिस्तान में सिचुएशन देखते हैं ह्यूमन राइट्स की, वो बाहर बैठ के डेफिनेट है, जब आप वायलेंस देखते हैं, वायलेंस अगेंस्ट वेमेन देखते हैं, ये सारी चीज़ें, तो आपको सदमा तो होता होगा कि ऐसा क्यों है, तो होना चाहिए। आप कोई गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहें कि आप? बात ये है कि मेरे आने से पहले ना पीर गोलड़ा शरीफ जी जी के खान वादे से मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक तनकीन की थी जी जी कि वहाँ जाकर तो अपना मुंह बंद रखना। अच्छा नहीं। ये सोसाइटी वो सोसाइटी नहीं जो 40 साल पहले हम छोड़कर आए थे। तो मैं गवर्नमेंट के बारे में तो कोई गवर्नमेंट को नहीं, कोई क्या हमें देखिए, हम अगर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, कवानीन मौजूद हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर क्यों अमल दरामद नहीं करती? हाँ, अब देखिए ज़ैनब अलर्ट बिल आया जो कसूर में हुआ था, बच्ची के साथ हुआ, वो ह्यूमन राइट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ने उसका मुकदमा लड़ा, मैं खुद उसमें लॉयर था। वेरी गुड। ठीक, अब बात ये है कि अब उसके बाद बिल आ गया है, अब उस बिल पास हो गया, एक्ट आ गया है, अब एक्ट के बाद उसके तहत अथॉरिटी का क्या होना चाहिए वो नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। तो आप खुल के इम्प्लीमेंटेशन की तो बात करें, इम्प्लीमेंटेशन कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। मसलन ये देखें कि जनरल ज़ियाउल हक ने ये 295C वाला कानून बनाया था, लेकिन उन्होंने रेटिफाई नहीं कराया, क्योंकि ये कानून देखिए वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, वो हम उस तरफ वो भी राइट्स की तरफ डेफिनेट है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी जजमेंट है, तसद्दुक हुसैन जलानी साहब की। अच्छा, जस्टिस हमारे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं। अच्छा, उन्होंने जो पिशावर में एक वाक्या हुआ था चर्च में जब अटैक हुआ था, और उसके बाद उन्होंने एक जजमेंट दी थी इसके ऊपर। अच्छा, और उन्होंने ये तमाम जो हमारी माइनॉरिटी नहीं कहना चाहिए, दे आर इक्वल टू दैट, ठीक, ये उन्होंने कहा उसके अंदर कि हमें इसको बड़े दिन का मुजाहरा करके, तो ये बहुत बड़ी जजमेंट है। तो असल सवाल ये है कि कवानीन पे अमल दरामद नहीं होता, राइट, जिसकी बिना के ऊपर जो है वो यहाँ प्रोसिक्यूशन भी है, यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस भी है, यहाँ पे जो है वो चाइल्ड
वायलेंस अगेंस्ट चाइल्ड भी है और अब्यूज भी है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, हम देखते हैं अभी कल ही दो दिन कबल 5 फरवरी गुजरा है, कश्मीर के ऊपर पूरी दुनिया में एहतजाज वगैरह हुआ और सारे जो जुल्मों से तुम कश्मीर के ऊपर हो रहा है, बहुत जुल्म है। तो आप पाकिस्तान में, वहां पे जब आप होते हैं ह्यूस्टन में, तो फिर इस तरह का कोई डे कश्मीर के हवाले से? डेफिनेटली, ना सिर्फ ये कि सरकारी सतह पर मनाया जाता है, एम्बेसी में, तमाम कौंसलेट्स में, जितने भी कौंसलेट हैं यूएसए में पाकिस्तान के, वहाँ मनाया जाता है। फिर हमारी प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम करती, और इसके अलावा जो कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम करती हैं। हम माशाल्लाह, हमारी बड़ी अच्छी आइडेंटिटी है ह्यूस्टन में। रही दुख की बात, तो दुख बहुत होता है, लेकिन एक बात मैं अपने हवाले से कहूँ कि इवन दो कि मैं माउथपीस हूँ पाकिस्तानियों का और गोरों का पादरी हूँ, मैंने पाकिस्तान के अंदर होने वाले किसी वाक्य को कभी नहीं छेड़ा, क्योंकि वो हमारा अंदरूनी मामला है। बिल्कुल ठीक, मैंने हमेशा पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बिल्ड किया है, अच्छी बातें बताई हैं पाकिस्तान में। बल्कि एक दफ़ा तो मैं आया हुआ था, तो मेरा एक लेक्चर था सेनेटर्स के साथ इस्लामाबाद में, तो उनको मैंने, मैं आई वॉज देयर एज एन एम्बेसडर ऑफ गुडविल एंड पीस, तो उनको मैंने अमेरिकन सोसाइटी की अच्छी बातें बताई, और वो बड़े हैरान हुए कि अमेरिकन भी अच्छे होते हैं। इसी तरह अच्छे बुरे लोग तो हर माशरे में होते हैं। तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी माँ है, हमारा घर है, जो होता है वो अंदर ही होता है। वो हमें अपनी डर्टी लॉन्ड्री जो है वो दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, ये फरमाइए कि सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म और सितम हो रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर जलाए जा रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हो रहा है, हालिया में अभी सिखों के साथ, जो पंजाब के जो है फार्मर्स के साथ जो हो रहा है। आपकी कोई वहाँ पे ह्यूस्टन में सिख कम्युनिटी के साथ भी इस हवाले से कभी बातचीत होती है? वो इसको कैसा देखते हैं ह्यूस्टन में, ये जो डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर? ये हम उनके साथ खड़े होते हैं, हम सिखों के ना वहाँ पर 37 गुरुद्वारा से, अच्छा, ह्यूस्टन में, ह्यूस्टन में, और हम पाकिस्तानी उनके शाना बशाना खड़े होते हैं हर स्ट्रगल में, और उनके जो, मैं उसकी पता नहीं फेवर तो नहीं करता, जो उनके खालिस्तान के लीडर हैं वो हमारे फंक्शंस में आते हैं एज ए पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, हम उनको सपोर्ट करते हैं। जी जी, तो हमारा उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है, और वो हमारे फंक्शंस में आते हैं, हम उनके फंक्शंस में जाते हैं। यू जो सूरत हाल इंडिया में है, दिल्ली में जो है तशद्दुद हुआ और वो सिखों के ऊपर उन्होंने लाठी चार्ज किया, गोलियां चलाई, ये तो, ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ, बड़े दुख देने वाली बात है। तो इस हवाले से वहाँ पे आप डेफिनेटली उनके साथ हम एहतजाज भी करते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली हम एहतजाज करते हैं। मोदी साहब जब आए थे तो हमने इंडियन काउंसिल में, जी जी, तो हमारा पूरा ग्रुप जो है, हम पाकिस्तानी गए थे, एहतजाज किया था हमने। अच्छा अच्छा, कश्मीर में जो जुल्म और सितम हो रहे हैं उनको बंद करो, और जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, ये जो देखे ना मोदी ने जो दफा बना दिया, जो बिल पास कर दिया है, ये बड़ा ही मुश्किल काम कर दिया उसने। जी 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 जी, तो ये सब के बावजूद भी इंडिया रुक नहीं रहा, जुल्म और सितम से, ह्यूमन राइट्स वायलेशन से रुक नहीं रहा, ना कश्मीर में रुक रहा है, ना इंडिया अंदर रुक रहा है, तो कैसे रुकेगा आखिर आप? मेरा नहीं ख्याल रुकेगा, ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये फनेटिक्स की लीडरशिप है। ये जो मोदी साहब आए हैं, जिस जमात से आए हैं, इनका तो नुक्ता नज़र ये है कि मार दो, जैसे हिटलर था, वो हिटलर जो था उसका था कि आर्या सुप्रीम रेस है। इसी तरह मोदी साहब को भी कोई गलत फहमी है कि हिंदू जो है वो सुप्रीम रिलीजन है, या हिंदू जो कौम है वो कोई सुप्रीम कौम है, मुसलमानों को मार दो, कश्मीरियों को मार दो, सिखों को, दैट्स व्हाट ही इज डूइंग, व्हिच इज रॉन्ग, ही शुड स्टॉप दैट, डेफिनेटली ही शुड स्टॉप दैट। लेकिन हालांकि वहाँ पे बहुत ज्यादा मसाइल हैं, यूथ को बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीजें हैं यूथ की, देखे ना माए बेचारी कितने महीनों से बैठी हुई थी वहाँ पर, जी जी जी, क्या बना उनका, कुछ उसके कान पर जूं रिंगी है मोदी के या गवर्नमेंट के, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब जब वहाँ पे हमने देखा अमेरिका में कि जब अभी गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, जो बाइडन आए हैं, तो जो बाइडन आए हैं तो वो ऐसे नज़र आया जैसे ये पाकिस्तान की कोई
है फेवर में, अदालत है नहीं, वो अदालत कहने के लिए पार्लियामेंट है, वो हमला कर दिया, तो आप उस वक्त वहां पे थे? मैं उस वक्त पाकिस्तान में था। अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट जो नए बने हैं उनका नाम है जोसेफ बाइडन। जोसेफ बाइडन, जोसेफ का जो मुखफ्फ है, इकट्ठा लिखते हैं वो? हाँ, नहीं, जोसेफ का जो मुखफ्फ है ना वो है जो, ठीक, जो हाँ रिचर्ड को एब्सोल्युटली कैसे करते, क्योंकि वो जो बाइडन इकट्ठा लिखते हैं, हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने उनकी बड़ी सपोर्ट की। और मल्टी कल्चरल जो लोग कम्युनिटीज थी, नहीं सिर्फ पाकिस्तानियों ने बहुत, पाकिस्तानियों ने बहुत, मेरे दोस्त हैं वो पिछले दिनों यहाँ आए हुए थे, ताहिर जावेद साहब, वो सेनेटर का इलेक्शन भी लड़े थे जी। जो बाइडन साहब उनके घर आए, हिलरी क्लिंटन उनके घर आए, वो पक्के डेमोक्रेट हैं जी। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प की है बाइडन की। अच्छा, और वोट जो है ना मुस्लिम वोट उसको पड़ा है, तो तब वो प्रेसिडेंट बने। अब फाइनेंशियल हेल्प आपने जो बाइडन की तो की, हाँ। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी करते हैं जिनका करते कोई जरूरत है? डेफिनेटली करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। उसमें मैं इंडिविजुअली ज़ाती तौर पर जो है ना एज ए पास्टर बहुत करता हूँ, फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन ये इंडिविजुअल सतह पे करते हैं या कोई अदारा? नहीं नहीं, अदारा है, मैं वो बताने लगा। अदारा है, हमारे हमारे नाज़रीन को बताएं कि महमूद मारफानी साहब जो हैं और डॉक्टर बरकत चरानिया और बहुत से लोग ह्यूस्टन में मौजूद हैं, समेत मेरे डॉक्टर अफजाल फिरदौस, और अदारे मौजूद हैं जिनको किसी किस्म की ज़रूरत हो, ग्रोसरी की ज़रूरत हो, मेडिकल की ज़रूरत हो, लॉ की ज़रूरत हो, लीगल ज़रूरत हो, सब कुछ मौजूद है। आप सिर्फ रابطہ कीजिए। एक सेंटर में आपको बता देता हूँ, आप अपना इब्न सीना फाउंडेशन, आई एम ऑन द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ दैट फाउंडेशन, उसके 6 क्लिनिक हैं और मिनिमम फीस के साथ बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट है, वो हमको आप देंगे। मेरे दोस्त लीगल दोस्त हैं जो लीगल एरिया में हैं, वो आपको लीगल प्रोवाइड करेंगे। इस तरह डेंटिस्ट का बड़ा इशू है, वो भी इब्न सीना पे बेस्ट, मैं खुद वहाँ से करवाता। तो ये सारे अदारे ह्यूस्टन में मौजूद हैं, अगर आपको पता नहीं है आप सिर्फ़ एक जगह आ जाइए, वो है इब्न सीना क्लिनिक विलक्रेस्ट और 59 के ऊपर, वहाँ से आपको सारा का सारा मिल जाएगा। महमूद मारफानी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे टीवी स्टेशन बहुत ज़्यादा है, रेडियो बहुत, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, 60-70 तो हमारे रेडियो स्टेशन है अपने, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब पाकिस्तानी कम्युनिटी को आप कोई पैगाम देना चाहें, वो आपने तो बहुत अच्छा पैगाम तो दे दिया आपने, जो वहाँ पर कम्युनिटी रहने वाले जो लोग हैं और उनको, ये नाज़रीन के लिए बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे किसी को कोई मसला हो तो डॉक्टर साहब को आप गूगल कर सकते हैं। इब्न सीना जो फंड की फाउंडेशन है, क्लिनिक है, वो सारा सेटअप है, आप उनको गूगल कर सकते हैं और अपने जो मसाइल हैं आपको वहाँ पे ह्यूस्टन में अगर कोई है तो वो आप इनसे शेयर कर सकते हैं। इन जनरल आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कहाँ की कम्युनिटी? पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ की है, खसूसन वो नौजवान जो हर दूसरा नौजवान ये चाहता है कि वो उड़ के अमेरिका चला जाए, हाँ, उन तो बच्चों को, मेरी, बच्चों को क्या पैगाम? मेरी हिदायत ये है कि जो है लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। अगर मैं 37 साल पीछे जा सकूँ, मैं कभी पाकिस्तान छोड़ के ना जाता। पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं है। यहाँ मेहनत करें, वहाँ जाकर पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं, वहाँ जाकर सबवे पे काम करते हैं, मैकडॉनल्ड पे करते हैं, यहीं करें, यहीं मेहनत करें, यहीं आपकी जन्नत है, यही आपका मुल्क है। और ये मुल्क तरक्की करता है, जैसे मुझ जैसे और बहुत से लोग पढ़ लिख जाते हैं तो चले जाते हैं यहाँ से, तो ब्रेन ड्रेन बहुत होता है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो ब्रेन ड्रेन बहुत होता है कि जो भी बढ़ गया, जो भी बड़ा आदमी बन गया वो चला गया। डॉक्टर ने ये फरमाइएगा कि एक वो दुनिया है जो हम 9/11 के पहले की देखते हैं और एक वो दुनिया है जो 9/11 के बाद की है, राइट? हमारे, हम जो देखा मीडिया के ऊपर के और जो हम तक खबरें पहुंचती हैं, इसमें कितनी सदाकत है कि 9/11 के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा सख्ती है पाकिस्तानी कम्युनिटी पे, इवन बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं जो वहाँ पे सेटल हैं सेटलर्स के लिए, तो क्या ये दुरुस्त है या ये सिर्फ? ये दुरुस्त है, मैं ये समझता हूँ तो कि जो ट्रेजेडी हुई 9/11 की जी, वो सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी जी, जिस तरह भी हुई जैसे भी हुई जी,
लेकिन उसमें जानों का नुकसान हुआ, अमेरिका जैसे सुप्रीम पावर को हिला के रख दिया। जी, जी जी, और उसके बाद पूरी दुनिया में वो जो आइडियोलॉजी है वो फैल गई। जी जी, आपको पता है कि आईसिस का जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में। जी जी, और इस तरह से और जो हैं ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये सारे यूरोप में फैली। ठीक, तो सारी दुनिया ही महफूज नहीं, चेंज हुई। उसके बाद फिर आपको काफी मेहनत करना पड़ी। फिर बहुत, आप यकीन करेंगे, मुझे जाती तौर पर, क्योंकि मैं पूरी एक स्ट्रिप है ईस्ट टेक्सास जिसको कहते हैं, उस सारे एरिया में मैं मुख्तलिफ शहरों में पादरी रहा, तो मुझे दाग धोना पड़ा। आपको दाग धोना? मुझे दाग धोना पड़ा क्योंकि मैं उनका पादरी था। जी बिल्कुल, और मेरे लिए पाकिस्तान है, मैं और पाकिस्तान के साथ इस्लाम जुड़ा हुआ है, तो मैं पाकिस्तान का इमेज बिल्ड करते करते इस्लाम, आप गूगल करके देख सकते हैं, मेरे लेक्चर्स हैं, मेरी तकरीर हैं, मेरे सरमंस हैं। डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे थे कि आप पाकिस्तान में दो दफ़ा आते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आधी फैमिली यहाँ पे आधी वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात कर रहे थे। जी जी, तो यहाँ वायलेशन तो कई सालों से जारी है ना ह्यूमन राइट्स की, के लोग जो है ना किसी का एहतराम नहीं करते। आपका इशारा किस तरफ है? मेरा इशारा जो है ना, जो बम ब्लास्ट होते थे चंद साल, डेफिनेटली उनकी तरफ है। और योहन्नाबाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, तो इत्तेफाक ये हुआ कि जिस दिन वो बम फटा है और उसमें उसके तीसरे दिन आवाज इन योहन्नाबाद में आया, तो मैंने पादरी साहब से पूछा कि यहाँ पर कोई ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल यतीम हो गए या ऐसे हों जिनको कोई पाल पोस नहीं सकता। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और 33 बच्चे जो है ना वो मुझे बताए, और उसमें मुस्लिम बच्चे भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं। अच्छा। और 7 विडोज़ हैं उसमें। अच्छा। दो मुस्लिम हैं। अच्छा, तो साल में मुझे एक या दो दफ़ा आता है अपने बच्चों का, उनकी माओ का ख्याल करने के लिए, देखने के लिए। अच्छा, that's so, great service. Yeah, great बस service. उसकी मेहर, उसने चुन लिया मुझे, ये उसकी बड़ी मेहरबानी है कि मैं आता हूँ इस काम के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए हमारे साथ प्रोग्राम में। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अफजाल फिरदौस साहब, जो जिनकी बातें में बहुत विजडम है हम पाकिस्तानियों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो बाहर जाने के ख्वाब देखते हैं। लेकिन मेहनत जितनी बाहर जा के करनी पड़ती है, डॉक्टर साहब के मुताबिक अगर पाकिस्तानी नौजवान अपने मुल्क में रहकर वो मेहनत करें तो यहाँ भी वो सारी चीज़ें पैदा कर सकते हैं जो बाहर जाते हैं। इसी तरह मसाइल बेपनाह हैं, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन इन तमाम मसाइल के साथ ही ज़िंदगी को साथ लेके चलना होता है। और आज डॉक्टर साहब की सारी गुफ्तगू को इस शेर पे ख़त्म करते हैं। वो कहते हैं कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। बहुत शुक्रिया।